बाबा ने सभी के अडॉप्शन पेपर्स पे साइन कर दिया। ये विराट, सभी ठीक तो है ना? अब वो कब आएगी? हाँ बाबा, आज हम सभी को लेने चले। अभी सभी उसकी आई के पास है, कल वो हम सबके साथ थी ना यहाँ पर, आज वो अपने आई के साथ रहना चाहती है। तो वो बाद में आएगी? हो बड़ा, लेकिन फिलहाल तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। ओके बाबा। अश्विनी, तूने सभी के बारे में क्यों पूछा और ये क्यों पूछा कि वो कब आएगी? क्योंकि वो मेरी बेटी है काकू, और ये घर उसका भी है, इसीलिए उसका जब मन करेगा वो यहाँ आएगी। अच्छा, और इस बात का क्या सबूत है कि वो तेरी बेटी है? काकू, मैंने कह दिया ना, सभी मेरी बेटी है, मतलब है। मस्त मस्त, तूने कहा और हमने मान लिया। मैं बिल्कुल नहीं मानती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन इस बात को मानता है कौन नहीं। अब तुझे मेरी बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी पत्नी की बातों से तो फर्क पड़ता है ना? कम से कम एक बार भी पूछा तूने अपनी पत्नी से कि वो इस फैसले से राजी है या नहीं? इसमें पूछने के लिए कुछ है ही नहीं। तो तू क्या चाहता है विराट, कि वो बच्ची सभी और उसकी आई, वो तेरी पूर्व पत्नी, इस घर में आकर रहे और पत्र लेखा उनकी सेवा करे? कैसी बात कर रही हैं आप काकू? जानती हूं कि मैं कड़वी बातें कर रही हूं, लेकिन क्या करूं, सच कड़वा ही होता है। पत्र लेखा ने तेरे मुश्किल घड़ी में तेरा साथ दिया, तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, और तूने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार भी पत्रलेखा से सलाह मशवरा करना जरूरी नहीं समझा? अरे तेरी आंखों पर उस बच्ची सभी के प्यार की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तूने कभी सोचा कि पत्रलेखा इस हालात से समझौता कैसे करेगी? काकू, समझौते जैसी कोई बात ही नहीं है, और ना ही सलाह मशवरा करने की कोई बात है। मैं मेरी बेटी के लिए जो भी कर रहा हूँ या करने की सोच रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी गलत है। लेकिन अगर आप सबको फिर भी लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, तो ठीक है, आप सबके सामने पूछ लेता हूं। पत्र लिखा, सभी के यहां आने से तुम्हें कोई भी दिक्कत है? बोल पत्र लिखा, बोल, बता विराट को। हाँ, तुझे दिक्कत है। सभी उस सई की बच्ची है जिसे ये अपनी बच्ची समझ रहा है। यही वक्त है पत्र लिखा, बता इसे कि उनके इस घर में आने से तुझे परेशानी है। तू नहीं चाहती कि वो बच्ची इस घर में आए जिसके बारे में ये भी नहीं पता कि वो इसकी बेटी है भी या नहीं। बोल पत्र लिखा, बोल। एक मिनट काकू, ये बातचीत एक पति पत्नी के बीच की है, वो खुद बोलेगी। बोलो पत्र लिखा, मैं सभी को स्वीकार कर रहा हूं, उससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है? बोलो। नहीं विराट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं।
सुना आपने काकू, पत्र लेखा ने क्या कहा? हाँ, ये बोल भी क्या सकती, जब पति ने इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार भी अपनी पत्नी की राय नहीं पूछी, उसके जज्बात के बारे में नहीं सोचा, वो पत्नी बोल भी क्या सकती है, उसने बस तेरा मन रखने के लिए हाँ बोला। तो आप भी रख लीजिए ना काकू, एक बाप की खुशियां क्यों नहीं देखी जा रही आपसे? सभी मेरी बेटी और इस घर में उसका आना जाना रहेगा, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सभी से प्यार से पेश आइएगा, और अगर आप प्यार से पेश नहीं आ सकते तो कुछ गलत भी मत बोलिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं भी देखती हूँ कि जिसे ये अपनी बेटी कह रहा है वो इसकी बेटी है भी या नहीं। पानी अब सर से ऊपर जा चुका है, विराट के सर से मेरी बेटी का भूत उतरना ही होगा। सवी, कितनी रात हो गई है, सो क्यों नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो? यही है वो टेंट, तो पापा ने मेरे लिए बनाया था, इसका नाम क्या है बताए? सवी, सो से सवी, और वी से वीनू होता था, और फिर हमने सोता, सो से तो सही भी होता है, और वी से पापा का नाम भी होता है, ब्लैक, हम तो परफेक्ट फैमिली है ना? ये देखो कल ही मार्केट जाकर सभी के लिए बहुत सारे खिलौने खरीद के लाता हूँ, क्रिकेट बॉल, बैट, बैडमिंटन रैकेट और बहुत कुछ, एक लिस्ट बना लेता हूँ ताकि बाद में भूल न जाऊं। अश्विनी, तुम्हें पता है मैं हमेशा से चाहता था कि हमारी बेटी हो, अरे तुम प्रेग्नेंट थी ना, तब भी मैं भगवान की हमेशा प्रार्थना करता था कि हमारी बेटी हो जाए, लेकिन उस वक्त भगवान ने हमारी नहीं सुनी, लेकिन देखो अब पोती आ गई है हमारी, मेरी वो इच्छा भी पूरी हो गई है ना। नीनाथ, हाँ आप ना, आपकी लिस्ट में मेरी तरफ से एक सामान जोड़ दीजिए। हाँ हाँ बताओ बताओ। परकर पुलका। परकर पुलका? तो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है, मैं देना चाहती हूँ हमारी पोती को। जब लक्ष्मी घर आती है तो दादी ही तो उसका नामकरण करती है ना, उसे टीका लगाती है, परकर पुलका देती है। मैं सोचती थी कि ये सब कुछ मेरे नसीब में है ही नहीं मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ, लेकिन है क्योंकि हमें सभी के बारे में पता नहीं था ना, तो अभी पता चला है तो हमको करना है सब कुछ, मेरे को सारी चीजें देना चाहती हूँ। हाँ हाँ करो, बिल्कुल करो, पहले जो नहीं कर पाई वो सब करो, अरे इतने बरसों में हमने जो खोया है वो सब पा सकते हैं अब। देखना अश्विनी, अपनी पोती के लिए ये नीना चव्हाण ये पूरा चव्हाण निवास दुल्हन की तरह सजा देगा। हाँ तो ठीक है, और भी थोड़ा सा ऐड करो। पत्र लेगा, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे मन में एक तूफान उठा हुआ है, हम सब ने यही सोचा था कि वीनू की रेस के बाद सही हम सबकी जिंदगी से चली जाएगी।
लेकिन किसे पता था जिंदगी ऐसा मोड़ ले लेगी। सही और सभी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं फिर से। लेकिन इस सबसे कुछ अच्छा भी तो मिला है ना, मुझे मेरी बेटी मिल गई है। मैं भगवान से और क्या मांग सकता था। पत्रलेखा तुम मेरी खुशी में खुश हो ना? पत्रलेखा विराट, तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ली। लेकिन लेकिन क्या विराट, सही कुछ गलत नहीं कह रही थी। अच्छी बात है कि सभी तुम्हारी जिंदगी में आ गई, लेकिन तुम्हें इस बात का दूसरा पहलू भी देखना होगा ना। सभी की वजह से सही का आना जाना भी लगा रहेगा ना इस घर में। मेरा मतलब है कि सभी अपनी आई से दूर तो नहीं रह सकती ना। विराट, तुम्हें नहीं लगता कि इस सब से उलझने बढ़ेंगी हम सबके लिए? मेरा मतलब है कि सही तुम्हारी पहली पत्नी रह चुकी है और ये बात तुम्हें जितनी सीधी लग रही है ना उतनी है नहीं। इसके बारे में तुम्हें कुछ तो सोचना होगा ना, कोई तो तरीका निकालना होगा। अगर सही का हमारी जिंदगी में आना जाना बढ़ेगा तो तुम्हारी बातचीत भी उससे ज्यादा बढ़ेगी और तुम दोनों का साथ उठना बैठना मिलना जुलना भी बढ़ेगा। क्या बोलना चाहती हो तुम, साफ साफ बोलो ना। विराट, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हारा मतलब क्या था। तुम यही कहना चाह रही हो ना कि मैं अपनी बेटी से दूर रहूं? क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है सबको ये कौन सी प्रॉब्लम नजर आ रही है जो मुझे नहीं दिख रही है? सब मुझे यही सलाह क्यों दे रहे हैं कि मैं अपनी बेटी से दूर रहूं? अरे कोई मेरी फीलिंग्स भी समझो, उसके बारे में भी सोचो, वो मेरी बेटी है। तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो विराट? मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? ये देखो, मैं बोल कुछ और रही हूँ, तुम समझ कुछ और रहे हो। अच्छा, अगर तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना ही नहीं था, मेरी कोई बात समझनी नहीं थी, तो तुमने मुझसे ये पूछने की फॉर्मेलिटी की क्यों? देखो, मैं तुम्हें सभी से मिलने से मना नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी बेटी है, लेकिन इन सब बातों से थोड़ी उलझने तो बढ़ेंगी ही ना, तो बोला मैंने। और मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि ये टॉपिक तुमने निकाला था विराट, मैंने ऐसी कोई बात नहीं निकाली थी। ओके, ठीक है, तुमने ये बात नहीं निकाली, लेकिन तुम्हारे दिल में जो बात छुपी हुई थी ना, वो बाहर निकल आ गई। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। नहीं, तुम्हें जो लग रहा है तुम आज बोल दो ना विराट। जो लग रहा है वो तुम्हें लग रहा है, जबकि कोई ऐसी बात है ही नहीं। चलो अब एक तरह से ठीक ही हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ। कम से कम तेरे दिमाग का एक बोझ तो उतर गया। भले ही अपने सभी को पूरा सच नहीं पता चला, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली तो हो गई कि उसके बाबा विराट जी है, और विराट जी को भी उनकी बेटी का पूरा सच पता चल गया। अब देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं मौसी, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। मौसी, विराट का खुद का एक परिवार है, सभी का उस परिवार में जाना उनकी जिंदगी में पता नहीं कैसी उथल पुथल मचाएगा।
मुझे तो सोच के घबराहट हो रही है। विराट की शादी पत्रलेखा से हो गई है और कल पत्रलेखा की आंखों में मैंने वही उलझन देखी। लेकिन उसे भी ये समझना पड़ेगा कि तू भी विराट जी की पत्नी थी। थी मौशी, मैं विराट की पत्नी थी और पत्रलेखा विराट की पत्नी है। मौशी, किसी भी औरत के लिए ये बात स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। पहले जब विराट पत्रलेखा को मुझसे ज्यादा अहमियत देते थे, जब मेरा बेटा वीनू मुझसे छीनकर पत्रलेखा को दे रहे थे, तो मुझे उस बात से इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं घर छोड़ के चली गई थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पत्रलेखा के साथ वही होने वाला है जो परसों पहले मेरे साथ हुआ था। और इस सब में अगर पत्रलेखा को कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। और विराट, विराट तो ऐसे ही है, उनकी प्रॉब्लम ही है। वो अपनी जिंदगी के फैसले लेने से पहले चीजों को उस औरत के नजरिए से देखते ही नहीं है जिसके साथ वो जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन रिश्ते और जिंदगी ऐसे नहीं बिताए जाते मौसी। मुझे पत्रलेखा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। विराट, मैं पत्रलेखा, मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी नहीं अभी, प्लीज। लेकिन विराट, मैंने कहा ना, पत्रलेखा गुड़ू, वो आई अंदर, वो मैं बाद में आती हूँ, इतना कुछ अर्जेंट नहीं है, बाद में आती। नहीं आई, प्लीज बोलिए, हम भी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं कर रहे थे। नहीं ऐसा नहीं, सच्ची में, मतलब मैं बाद में भी बात कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद मैं गलत वक्त पे आ गई हूँ। आई प्लीज बोलिए ना, आप क्या बोलना चाह रही थी? देखो बेटा, सभी तुम्हारी बेटी है, हमारी पोती है, लेकिन हम लोगों ने उसके साथ मतलब कुछ भी विधि पूर्वक नहीं किया है, जैसे कि ना नामकरण उसका विधि पूर्वक किया है हमने और ना ही कोई रीति रिवाज किया है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल उसे बुलाए घर पे और पूजा करें। चलो कोई तो खुश है मेरी खुशी में। बहुत अच्छा आइडिया है। तो कल कार्तिकी पूर्णिमा है ना, तो बहुत अच्छा दिन है, तो इसलिए उसी दिन मैं चाहती हूँ कि उसे बुलाएंगे और बाकी सारे भी मतलब विधि है वो कर लेंगे, उसका स्वागत करेंगे विधि पूर्वक। बिल्कुल कीजिए, मैं सही से बात करता हूँ। हाँ विराट, सही आई, मिसेस सवान, आई। मैं जानती हूँ हम दोनों में अब इतनी दूरियां बढ़ गई है, उसके चलते तुम मुझे मिसेस चव्हाण करके बुलाने लगी हो और मैं तुम्हें डॉक्टर जोशी, लेकिन पापा ने हम दोनों में एक कड़ी और जोड़ के रखी हुई है, तुम्हारी बेटी और हमारी पोती सवी, जिसके चलते मतलब मेरा इतना तो हक बनता है ना कि मैं तुम्हें एक बेनती कर सकती हूँ। जी बोलिए। सवी को लेकर वक्त ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत कुछ छीना है हमसे, उसका जन्म, उसका पहला कदम, उसका पहला शब्द, उसका नामकरण, उसका मुंडन, सब कुछ छीना है हमसे। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम पहले जो कुछ भी नहीं कर पाए, उस सब की भरपाई अभी कर ले। कल कार्तिकी पूर्णिमा है ना, तो ऐसे पावन अवसर पर मैं पूरे विधि पूर्वक सभी का स्वागत करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारी अनुमति चाहती हूँ।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.